हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और टेस्टी पनीर। इस तरह का पनीर हम रेगुलरली अपने घरों में नहीं बनाते हैं। इसका मसाला बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, जिसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर और इस चटपटे मसाले का टेस्टी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये पनीर कोल्हापुरी आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, सबको ये पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से इस चटपटे मसालेदार कोल्हापुरी पनीर को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल, और तेल को गर्म होने देंगे, जिसमें हम पहले इसका मसाला भून लेते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ये 2 तेज पत्ते, साथ ही 6 से 7 करी पत्ते इसमें डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, और तेल में इन तीनों ही चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आने देंगे। तो तेल में इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें ये 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। तो इस सब्जी के लिए हमें प्याज को काफ़ी अच्छे से भूनना है, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो प्याज को भूनते समय इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, जिससे कि प्याज बहुत अच्छे से कैरमलाइज होंगे, और प्याज अगर अच्छे से भून जाएंगे तो सब्जी का टेस्ट अपने आप ही बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम प्याज को अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे इसमें। तो जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करने लगे, इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन, साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक, और इन दोनों ही चीज़ों को प्याज और मसालों के साथ हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इन दोनों का कच्चापन भी दूर हो जाए और सभी चीज़ों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और भून लेंगे। तो ये लीजिए, जैसा मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह का मसाला हमारा भून गया है, काफ़ी अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है ये 3 से 4 टमाटर की प्यूरी। टमाटर को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, और टमाटर की इस प्यूरी को हम अच्छे से इसमें पकने देंगे। तो जब तक टमाटर की प्यूरी भून रही है, इसमें हम कुछ मसाले भी डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये तीनों ही चीज़ें टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छे से भून जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। तो इसे हम पकने देते हैं और दूसरे गैस पर रख देते हैं। इतने में हम इस सब्जी के लिए कोल्हापुरी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में डाल दिया है 1 टीस्पून देसी घी। घी की जगह पर आप सिंपल तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कोल्हापुरी मसाला हम घी में बनाएं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमें धीमे आंच पर घी को गर्म करना है, और फिर इसमें हम डाल देंगे 4-5 काली मिर्च के दाने, 2-3 लौंग डाल देंगे यानी कि क्लोव्स, साथ ही में डाल देंगे 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े। बड़ी साइज में नहीं लेंगे, नहीं तो पूरे मसाले में इसी का फ्लेवर आ जाएगा। और अब डाल देंगे 2 हरी इलायची, आप चाहो तो 1 बड़ी इलायची भी डाल सकते हो, लेकिन उसका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है इसमें। अब डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, और 1 टीस्पून तिल डाल देंगे यानी कि जो सफ़ेद सेसमी होते हैं वो, साथ ही साथ डालेंगे 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून धनिया के बीज, ये आका होल धनिया होता है, और 4-5 इसमें मैंने काजू डाल दिए हैं। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे चने की दाल, कच्ची चने की दाल है, और 2 सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे। तो ये सभी चीज़ें इजीली हर घर में मिल जाती है। तो पहले 1 से 2 मिनट के लिए धीमे आंच पर इन्हें हम सेक लेंगे, भून लेंगे इस तरह से, देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखा नारियल का बूरा, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब जब तक इस नारियल के बूरे का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो ये देखिए, सभी मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, काफ़ी अच्छे से सुनहरा कलर हो गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है आखिर में 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और फाइनली हल्का सा इसे और भून लेंगे। और ये हमारा कोल्हापुरी मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तो इसे हम साइड में निकाल करके रख लेंगे, और थोड़ा सा ठंडा करके एक मिक्सर जार में भर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल अरोमेटिक कोल्हापुरी मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसे साइड में रख देंगे, और यहाँ पर इतनी देर में हमारा ये मसाले टमाटर की प्यूरी बहुत अच्छे से भुन गई है, हल्का हल्का सा तेल भी इसके किनारों पर निकल आया है। तो अब ये कोल्हापुरी मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो ये लगभग 4 टेबलस्पून के करीब बनकर तैयार होता है, और इसे हम इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक इस मसाले को हम फिर से भून लेंगे, ताकि सब्जी का फ्लेवर और भी बढ़ जाए। तो अभी ये बहुत ही फ्लेवरफुल और मसालेदार बन गया है। तो थोड़ा सा इसमें क्रीमिनेस डालने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप मलाई, ये दूध की मलाई है, जिसे मैंने 1/4 कप के करीब लिया है।
इसकी जगह पर आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों के साथ फिर से इसे हम 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। तो हमारा पनीर का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब आपको पनीर में जितनी ग्रेवी रखनी है, जितनी थिकनेस रखनी है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हो। मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान से डालेंगे क्योंकि प्याज को भूनते समय भी हमने 1/2 टीस्पून नमक मिलाया है, तो जितनी ज़रूरत हो उतनी नमक हम मिला लेंगे। और अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छा सा बॉईल होने देंगे। ये देखिए, जब ग्रेवी में मसाले में इस तरह से बॉईल आने लगे, तो अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने इस तरह से चौकोर और लंबे टुकड़ों में कट किया है। आप अपनी पसंदीदा शेप में इसे काट सकते हो, लेकिन कोल्हापुरी पनीर इसी तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम इसमें एक एक करके धीरे से डाल देंगे। और पनीर बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हल्का सा हम इसे मिक्स कर देंगे मसाले में। और अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और सिम पर यानी कि मीडियम से कम आंच पर इसे हम 5 मिनट का दम दे देंगे। ढक कर इसे पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स, सभी मसालों के टेस्ट पनीर में अच्छे से आ जाए। तो ये लीजिए, अब हमारी ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी अब लगभग तैयार हो गई है। तो हमने इसमें बहुत से मसाले डाले हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत ही फ्लेवर है। तो अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर और मिला रही हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। और अब ये गर्मा गर्म रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम अब परोस लेंगे। तो इस तरह से हमारा एकदम मसालेदार, फ्लेवरफुल और चटपटा पनीर कोल्हापुरी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि एकदम डिलीशियस है टेस्ट में। तो आप भी इसे घर में बनाकर सबको खिलाएं, सभी को इसका टेस्ट पसंद आएगा। साथ ही में अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें से दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल ईट यम्मीशियस को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उस पर क्लिक करें, साथ ही में घंटी का निशान आएगा उस पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से सबसे पहले आपको मिल सके। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस पनीर कोल्हापुरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।